नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्ताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके सात बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब आठवां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफंती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी।